बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभी सर लोग जुड़ रहे हैं, शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे ही सब लोग जुड़ते हैं हम कार्यक्रम शुरू करते हैं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हमारे चीफ गेस्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्री उमा शंकर पचौरी जी, स्क्रीन पे हैं। शायद उन्होंने कैमरा और हाँ जी सर, आगे सर। प्रणाम सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आप नमस्कार जी साहब। नमस्कार सर। सर अगर आप इजाजत दें तो कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं, लोग जुटते रहेंगे क्योंकि यूट्यूब पे भी लाइव है। ओके, गो अहेड। थैंक यू सर। आज चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ये युवा कल्याण निदेशालय व भारतीय शिक्षण मंडल के सहयोग से संयुक्त रूप से हम एक गुरु शिष्य परंपरा पर एक व्याख्यान का आयोजन कर रहे हैं। आज के इस दौर में जब गुरु और शिष्य का संबंध गुरु और शिष्य ना होकर अध्यापक व विद्यार्थी का रह गया है तो इस कार्यक्रम की महत्वता और बढ़ जाती है। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री उमा शंकर पचौरी जी, जो कि अखिल भारतीय शिक्षण मंडल के भारतीय महामंत्री हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम के संयोजक कह लीजिए और हमारे प्रेरणादायक वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर श्री अजमेर सिंह मलिक जी का, हमारे कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हमारे रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के श्री राकेश वधवा जी का, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रोफेसर दिनेश जी जेसी बोस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के कुलपति, श्री जितेंद्र भारद्वाज जी रजिस्ट्रार चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, जो कि अखिल भारतीय शिक्षण मंडल के यहाँ के संयोजक हैं, श्री सुनील जी प्रांत मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल, व अनेक प्रबुद्ध जन जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से आज हमारे लिए समय निकाला है। वह भारतीय परंपरा जो कि शिक्षा
का महत्व बताती है गुरु और शिष्य के बीच के भावनात्मक संबंध को मजबूत करने के लिए जो एक कड़ी हम शिक्षकों को बनना होगा उसके ऊपर प्रयास डालने की हमारी एक आज कोशिश है। वह हम सादर अभिनंदन करते हैं आप सभी प्रबुद्ध जनों का जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से आज समय निकाला। आज गुरु और शिष्य कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सिर्फ औपचारिक और व्यावसायिक संबंधों तक ही रह गए हैं। जब कुम्हार मिट्टी को जिस प्रकार से अपना हुनर देकर एक नया रूप प्रदान कर देता है उसी प्रकार एक जो गुरु है वो अपना ज्ञान देकर एक विद्यार्थी या एक शिष्य के जीवन को एक नया मूर्त प्रदान कर देता है और इसी तरह वह जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है। आज हम श्री उमा शंकर जी से इस प्रथा के बारे में इस पुरानी कड़ी के बारे में उनके विचार जानेंगे वह उन्हें उनसे उनके विचार सुनेंगे। बट उससे पहले हम हमारे कुलपति महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय संवाद हमारे सामने प्रस्तुत करें हमें एनलाइटन करें अपने विचारों से। माननीय कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक जी। थैंक यू डॉक्टर मंजू नेहरा जी। आज इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट श्री उमा शंकर जी पचौरी जी, प्रोफेसर दिनेश अग्रवाल जी, जितेंद्र भारद्वाज जी गोयल साहब, जहां तक सवाल आज के विषय का है अगर हम उसकी बात करें तो टीचर और टॉट के बीच में जो संबंध है जिसको कि हमारी पुरानी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है, वास्तव में अगर हम देखें तो वो टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशनशिप है जो कंटेम्परेरी टाइम में उसका समकालीन उसमें उन परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित होते रहे हैं। ये सही है कि समाज में जब भी हम किसी संबंध की किसी परंपरा की किसी घटना की उल्लेख करते हैं तो उसमें उन परंपराओं या उन संबंधों के आदर्शों की बात भी करते हैं और साथ में वो परंपराएं और आदर्श वो जो आइडियल्स हैं वो समाज में बने रहें उन संबंधों में बने रहें उनकी तुलनात्मक दृष्टि से एक अध्ययन करते हैं उसका एक आकलन करते हैं तो उसमें उत्पन्न होने वाली समय के साथ जो उत्पन्न होती हैं या उनमें जो डाइल्यूशंस जिसको हम बोलते हैं अगर उस तरीके के कोई विकार या किसी भी तरीके की क्षणता उसमें आती है तो उनके बारे में हम समाज को प्रेरित करते रहते हैं कि वो उन आदर्शों के अनुसार पालन करें। तो गुरु शिष्य परंपरा अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर 30 वर्ष का मेरा अनुभव रहा है न कि ये सही है कि आज के समय की जिस तरीके की शिक्षा प्रणाली है और जिस तरीके का व्यवस्था है उसमें उस तरीके की लगन उस तरीके की समर्पण या उस तरीके के भाव या उस तरीके के जो एथिक्स हैं शायद उनको हम उनका अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका ये भी अर्थ बिल्कुल नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है जिस तरीके के वो होने चाहिए आज के युग में वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुके हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कम से कम मैं इन बातों को नहीं मानता। जहां भी समर्पण अगर अध्यापक का रहा है या अध्यापक जहां भी इस तरीके के व्यवहार के अनुसार अपने विद्यार्थियों के साथ उनके कैरियर के प्रति उनके एजुकेशन के प्रति उनके उनके लिए एक रोल मॉडल बन के रहा है
उसी के अनुसार उस तरीके के संबंध टीचर और टॉट में रहे। अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो दोनों ही प्रकार के हैं। मैं यहाँ एक बात ही इम्पोर्टेंट सा एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है जिंदगी का। मेरा एक पीएचडी का स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएशन लेवल तक एक एक्सलेंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन कॉलेज लेवल का एक एक्सलेंट है स्पोर्ट्स पर्सन जरूर था। जब एमए में उसने एडमिशन लिया हमारे साथ, शायद एक साल तक तो हम एक दूसरे को पहचानते ही थे, जानते नहीं थे, लेकिन पीएचडी के दौरान खास तौर पर वो साथ रहा। जिस समर्पण से उसने काम किया, जो मैं वाकया बता रहा हूं कि उसने, क्योंकि पीएचडी लेवल पर आप सभी जानते हैं, जब रिसर्च पेपर लिखते हैं या कोई रिसर्च स्टडी करते हैं, तो वो रिसर्च स्टडी जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों के नाम से ही उसको पब्लिश करते हैं, क्योंकि दोनों का ही उसमें योगदान होता है। तो मैंने ऐसे ही किसी एक शोध कार्य में उसको इन्वॉल्व किया और उसको उसका नाम उसमें दिया, तो उसको लगा कि इसमें गुरु का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है, उसका कम है। तो उसने उस बारे में धन्यवाद किया। मैंने उसको बहुत कैजुअली, बहुत हल्के में लिया, एक रूटीन की एक्टिविटी थी। लेकिन उसके बाद उसने कोई एक ऐसा शोध कार्य पब्लिश भी किया और कहा कि मैंने आपका नाम दिया है, आपकी परमिशन चाहिए थी, उसको मैंने नाम दिया है। मुझे इतने बड़ा फकर होता है। अगर मैं पहले तो ये कहूंगा कि मैंने उसको इतना लाइट ले लिया कि लगभग 2 साल तक मैंने उस पेपर को या उसके जो भी कंट्रीब्यूशन को पढ़ा ही नहीं। और जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं फकर से कहता हूँ उसने मुझसे अच्छा लिखा था। आज भी वो काफी दूर है, वो शायद जुड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो शायद इस तरीके की हमारी जो भी एक्टिविटीज है उसमें नहीं इन्वॉल्व होता। बट मुझे बहुत खुशी हुई, और वो खुशी एक गुरु का जो स्वाभाविक स्वभाव होना चाहिए, इस तरीके की जो बातें हैं वो भी जरूरी है। तो स्वभाव से मैं आज भी उसका टीचर हूँ और वो आज भी मेरा स्टूडेंट है, चाहे वो गुरु शिष्य परंपरा की बात है। ये एक केस है, अदरवाइज तो मैंने तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा है कि जिसके साथ मेरी उस तरीके की परंपरा ना रही हो। ये सही है कि हम बहुत ही आशावादी होते हैं, टीचर को होना भी चाहिए, गुरु को होना भी चाहिए, लेकिन गुरु का जो मापदंड है या गुरु की जो अपेक्षाएं हैं वो भी उसी के अनुसार रहनी चाहिए, जिस तरीके का सामर्थ्य उसके शिष्य में है। मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इस विषय पे मैं ज्यादा नहीं जानता, और प्रैक्टिकली जो मेरे एक्सपीरियंस थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। लेकिन मैं शिक्षण मंडल का, डॉक्टर मंजू नेहरा का, और आप सभी लोगों का, खासतौर पर आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री उमा शंकर जी पचौरी, उनका स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया इस तरीके के डायलॉग में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका लेक्चर के लिए मैं जरूर यहाँ उपस्थित रहूंगा, ताकि मैं भी उस तरीके का ज्ञान प्राप्त कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दोबारा से इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद और स्वागत। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सबके लिए एक गर्व का विषय अभी मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। आज एक गुरु फिर से कामयाब हुए हैं, एक शिष्य ने फिर से गुरु दक्षिणा दी है। भारत का पहला स्वर्ण पदक जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी ले आए हैं। हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट और निसंदेह ये गुरु की लगन के लगन है जिसने आज एक फल दिया है, जिससे एक पूरा भारत झूम उठा है खुशी से और गर्व महसूस कर रहा है। और हमें इसी से एक सबक भी मिलता है कि जब गुरु और शिष्य दोनों मिलकर पूरे संयम श्रद्धा और लगन से काम करें तो देश का नाम भी और खुद का नाम भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक जी की बात से कि नाम बेशक बदले हैं लेकिन संबंध जो है गुरु और शिष्य के आज भी वही हैं, आज भी निभाए जाते हैं, आज भी उसी श्रद्धा से बढ़ाए भी जाते हैं। हम भी किसी के शिष्य हैं और किन्हीं के गुरु भी हैं, ये भावना दोनों तरफ से चलती है। जो भी आज के परिवर्तन का संसार का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है, नाम बदल जाए लेकिन भावना नहीं बदले, इसी भावना के साथ हम आज ये व्याख्यान जो है उसका आयोजन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आपने हमें समय निकालकर अपने जो अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा किए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि, उससे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे रजिस्ट्रार महोदय राकेश वधवा जी का कि वो इतने दूर बैठकर भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धन्यवाद सर एंड स्वागत है आपका। उमाशंकर जी अखिल भारतीय शिक्षण मंडल के महामंत्री हैं, 26 वर्ष का लंबा शैक्षणिक अनुभव रखते हैं, उनके क्रेडिट में बहुत सारी प्रकाशित पुस्तकें हैं, विभिन्न संस्थाओं के संयोजक संस्थापक व चेयरमैन वे रह चुके हैं। इनका बायोडाटा अगर मैं पूरा पढ़ूंगी तो शायद एक घंटा मैं उसी पे निकाल दूंगी। सर ज्यादा ना कहते हुए आपके बारे में मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप हमें अपने उद्बोधन से, अपने वक्तव्य से एनलाइटन करें। श्री उमा शंकर जी पचौरी हमारे मुख्य अतिथि अब हमारे बीच में मुख्य भाषण के लिए, श्री उमा शंकर पचौरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंजू दीदी, आदरणीय कुलपति महोदय, एक और विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आदरणीय दिनेश जी, जिनके कारण हम सब यहाँ आज एकत्रित हो पाए हैं, ऐसे इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव आदरणीय राकेश वधवा जी, भारतीय शिक्षण मंडल के हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र जी, प्रांत मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी, अन्य समस्त कार्यकर्ता बंधु भगिनी, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बंधु भगिनी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। आदरणीय कुलपति जी ने बहुत प्रभावशाली बात कही, मैं 100% सहमत हूं उनसे। यदि शिक्षक गुरु है तो विद्यार्थी निस्संदेह शिष्य है, पर यदि शिक्षक व्यवसायी बन जाता है तो फिर विद्यार्थी ग्राहक बनने के अतिरिक्त कुछ और नहीं रहता। विद्यार्थी तो कच्ची मिट्टी है, हम उसे जिस रूप में ढालना चाहते हैं वह वैसा ही ढलता है। आज भी विद्यार्थी के मन में अपने गुरु के प्रति सम्मान का भाव इस हद तक रहता है कि अपने पीएचडी माता पिता की बात को वो स्वीकार नहीं करता। मेरी दीदी ने, मेरी मैम ने, मेरे सर ने मुझे जो बताया है वह मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड के विद्यार्थियों का भी अनुभव होता है।
बाकी लोगों की बातें न करें, हम अपना स्वयं का आकलन करें। आज हम में से सब जो कुछ भी हैं, यदि अपनी जिंदगी पर दृष्टिपात करते हैं तो हम वैसे बन पाए हैं जैसे हमको गुरु मिले। अपने गुरु की छाया हमारे जीवन में प्रत्येक अनुभव करता है। उस समय भले ही उनकी बातें हमको समझ में नहीं आती हों, लेकिन आज वे सारी बातें हमको बहुत अच्छी तरह ध्यान में आती हैं, हमारे अपने जीवन को प्रकाशित करने वाली होती। इसीलिए भारत की जो गुरु शिष्य परंपरा है, आदरणीय कुलपति जी ने बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से उस बात को स्पष्ट किया। ये रोना रोने का समय भी नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आज गुरु शिष्य संबंध बचे ही नहीं है। यदि बचे नहीं होते तो फिर हम सब भी इस स्थिति में नहीं होते। गिरावट समाज के परिवर्तन के साथ आई है। सही कहा मंजू दीदी आपने, नाम बदले हैं और नाम बदलने के कारण, परिस्थितियां बदलने के कारण लोगों को गुरु का वह महत्व ज्ञात नहीं रहा, या गुरु ने अपने आचरण के कारण उस महत्व को सिद्ध करने में वो तत्परता भी नहीं दिखाई जिससे समाज उस महत्व को समझ पाता। और इसके पीछे जो दोष है, शिष्य का बिल्कुल भी नहीं है और गुरु का हो नहीं सकता, तो दोष केवल पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा के प्रभाव का है। जिस शिक्षा में धन को ही सर्वस्व मान लिया गया, धन कमाने को ही जीवन की सफलता से जोड़ दिया गया, उस शिक्षा व्यवस्था के कारण निश्चित रूप से गुरु प्रभावित हुआ और गुरु के प्रभावित होने के कारण उसके संपर्क में आने वाले शिष्य पर भी वह प्रभाव परिलक्षित हुआ। संपूर्ण समाज को इस दूषित शिक्षा प्रणाली ने प्रदूषित किया और उसका दुष्प्रभाव हमको आज की पूरी पीढ़ी पर दिखाई देता है। और इस स्थिति को ठीक करने की जिम्मेदारी शिक्षक की ही है, क्योंकि समाज तो वैसा बनने वाला है जैसा शिक्षक उसे बनाना चाहता है। कल भी वैसा ही बना था, आज भी वैसा ही बनेगा और कल भी वैसा ही बनने वाला है। जीवन में तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। एक सामान्य दर्पण होता है जिससे हमें शरीर दिखाई देता है, दूसरा मन रूपी दर्पण होता है जिससे हमें भूत और भविष्य दिखाई देता है, वर्तमान उसमें परिलक्षित नहीं होता। परंतु तीसरा दर्पण आत्मा होता है, इसमें हमें अपना वर्तमान परिलक्षित होता है। ये गुरु आत्मा को जागृत करने वाला तत्व है। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल ने जब 1969 से काम शुरू किया तो काम केवल यही था, शिक्षण में भारतीयता लाना। और भारतीयता यानी क्या? भारतीयता मतलब आत्मीयता लाना, उस आत्मभाव को प्रदर्शित करना जिसमें व्यक्ति अपने वर्तमान को देख सके, क्योंकि मन तो केवल भूत और भविष्य दिखाएगा। इसलिए कहा जाता था साहित्य समाज का दर्पण होता है।
शिक्षक भी समाज का दर्पण होता है। समाज उस शिक्षक के माध्यम से, गुरु के माध्यम से अपने वर्तमान को आसानी के साथ देख सकता है। पर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली जिसमें सुख को ही जीवन का ध्येय मान लिया गया और सुख वस्तुओं में कल्पित किया गया और वस्तुएं धन से आएंगी इसलिए धन को शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया, नौकरी को शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया। कौन से कोर्स ऐसे हैं जिनसे तत्काल नौकरी मिल सकती है, कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्यक्ति अधिकाधिक धन अर्जन कर सकता है, वो काम हमें कौन सिखा सकता है, उस दिशा में ज्यादा बढ़े लोग हमको अपने आत्म तत्व की ओर ले जाने वाले शिक्षकों के प्रति उदासीनता बढ़ती चली गई। इसलिए व्यक्ति अपने आप से दूर होता चला गया, जिंदगी भर गैरों से होती रही गुफ्तगू, मगर आज तक हमसे न हमारी मुलाकात, क्योंकि हमसे हमारी मुलाकात कोई और नहीं करा सकता गुरु के अलावा। और हमसे हमारी मुलाकात नहीं हो, हमको उस आत्म तत्व का बोध नहीं हो, तो फिर हमारी शिक्षा अधूरी है। इस अधूरी शिक्षा को पूरी मान के जिंदगी भर धो रहे हैं, इसलिए गुरु शिष्य के वैसे संबंध दृष्टिगत संस्थानों में नहीं होते। आध्यात्मिक जीवन में तो वे संबंध आज भी जैसे के तैसे, राकेश वधवा जी उसी साधना के लिए आज भी गए हुए, उस साधना की खोज नहीं होती, उसका महत्व नहीं होता, तो आज भी अपने गुरु को सर्वस्व समर्पित करने वाला शिष्य, इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति आज भी जीवन में किसी न किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे रामकृष्ण परमहंस के साथ नरेंद्र जुड़े थे। तब भी सारे शिष्य रामकृष्ण परमहंस के साथ नरेंद्र की तरह नहीं जुड़े, यदि जुड़े होते तो वे सबके सब विवेकानंद हो गए होते। तब भी सारे के सारे शिष्य मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती बनने वाले भाव वाले नहीं थे बिरजानंद जी के साथ। गुरु तो बिरजानंद जी वैसे ही थे, पर मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती बन के उनका नाम रोशन करने वाले सिद्ध हुए। समर्थ स्वामी रामदास जी ने जाने कितने मठ स्थापित किए और अपने कितने शिष्य बनाए, पर नाम तो केवल छत्रपति शिवाजी के कारण ही हुआ। वशिष्ठ के समय में जाने कितने विद्यार्थी उस गुरुकुल में आए होंगे, पर राम तो उनमें से केवल एक ही निकले। सांदीपनी ने जाने कितने लोगों को पढ़ाया होगा, पर उनका नाम कृष्ण के कारण जाना जाता है। आज भी हर विद्यालय में से कोई न कोई कृष्ण, कोई न कोई राम, कोई न कोई दयानंद सरस्वती, कोई न कोई विवेकानंद, कोई न कोई छत्रपति शिवाजी निस्संदेह निकलता है। यह सूची बहुत लंबी नहीं हुआ करती, क्योंकि शिष्य बनना दुनिया का सबसे कठिन काम है। शिष्य का अर्थ गुरु की आज्ञा का पालन करना है। केवल और केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना। परंतु हम समाज में यह बताने में असफल रहे कि गुरु हमारे जीवन में करता क्या है। मैं हमेशा एक छोटी कहानी सुनाया करता हूं, काल्पनिक कहानी है और हरियाणा के लोगों के लिए बहुत महत्व की कहानी है, क्योंकि हम सब आज पुलकित हैं
पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो में भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया है, हरियाणा से ज्यादा प्रसन्नता इस बात की किसी और प्रांत को नहीं हो सकती। और ये संभव होता है गुरु शिष्य के कारण। ये आवश्यक नहीं था कि वो भारतीय गुरु से शिक्षा प्राप्त करके इस स्थिति को प्राप्त कर जाते। उन्होंने इस देश के बाहर के गुरु से ये दीक्षा प्राप्त की, अपने आप को आज की परिस्थितियों के अनुरूप बनाया और अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके आज इतिहास रच दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा गुरु कौन है, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे मन में उस गुरु के प्रति श्रद्धा कैसी है। ज्ञान श्रद्धावान को प्राप्त होता है। गुरु का काम तो अपने आचरण को ऐसा बनाना जिसे देखकर शिष्य के मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सके। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल व्यास पूर्णिमा के आधार पर इस देश के समस्त गुरुओं के बीच इस विषय को लेकर जाता है प्रतिवर्ष। आप जैसे श्रेष्ठ गुरुओं में से किसी एक ने भी इस भाव को समझ लिया, शिष्यों में से किसी एक ने भी उस भाव को समझ लिया, तो हमारा यह प्रयास सार्थक है। मैं वो काल्पनिक कहानी की बात आपसे कर रहा था, गुरु देता क्या है, विद्यार्थी के बीच हमको ये विषय ले जाना चाहिए, अनिवार्यतः ले जाना चाहिए। हर विद्यार्थी को पता हो गुरु हमारे जीवन में क्या करता है। वो काल्पनिक कहानी है, एक कराटे चैंपियन के पास जो ट्रेनिंग देते थे, कोचिंग देते थे, एक विद्यार्थी आया और उस विद्यार्थी ने आकर कहा, सर मैं कराटे में विश्व चैंपियन बनना चाहता हूं। हजारों गुरुओं के पास जा चुका हूं, जो भी मुझे देखता है, मेरी इच्छा देख सुनता है, ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहता है नॉट पॉसिबल, निराश हूं, हताश हूं। इच्छा बहुत है विश्व चैंपियन बनने की, बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। अपने आदरणीय अजमेर सिंह मलिक जी जैसे गुरु रहे होंगे, ऊपर से नीचे तक देखा उस विद्यार्थी को और देखने के बाद दृढ़ स्वर में पूछा, तू वास्तव में विश्व चैंपियन बनना चाहता है? उस विद्यार्थी ने उतनी ही दृढ़ता से उत्तर दिया, जी सर। अगला प्रश्न था गुरु का, जो कहूंगा सो करेगा? उसने उतनी ही दृढ़ता से उत्तर दिया, जी सर। तीसरा प्रश्न था, कभी मन में कोई संशय तो नहीं लाएगा? विद्यार्थी का उतना ही दृढ़ उत्तर था, जी नहीं। गुरु ने हंस के कहा, तू विश्व चैंपियन बन जाएगा। एडमिशन दे दिया, सैकड़ों और विद्यार्थी वहां सीख रहे थे कराटे। गुरु अखाड़े में पहुंचे, इसको चलाने के लिए एक दाव सिखाया। आज इसका पहला दिन है, प्रतिद्वंद्वी से बचने के दो तीन चार दाव बताए। ये विद्यार्थी अपने घर गया है, रात भर प्रैक्टिस की है, क्योंकि विश्व चैंपियन बनने की लगन है। गुरु मिला है जीवन में पहली बार जिसने कहा है तू विश्व चैंपियन बन सकता है, जो सिखाया है उसको इतना परफेक्ट करके ले जाऊंगा कि कल नया सिखाएं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। रात भर प्रैक्टिस की, बचाव के दावों की, और चलाने वाला तो एक ही बताया था। उसको उम्मीद है आज पहला दिन था इसलिए एक दाव सिखाया, कल दूसरा सिखाएंगे, परसों तीसरा सिखाएंगे, मेरी लगन देखेंगे तो रोज नए नए सिखाएंगे। अगले दिन पहुंचा है, गुरु के सामने प्रदर्शन किया है और आशा भरी दृष्टि से देखा है गुरु की ओर, पूछा, मानो दृष्टि कह रही हो कि वो नया क्या करना है। गुरु ने कहा कि
बचने के लिए दो तीन दाब और सिखाता हूं, चलाने के लिए उसी की प्रैक्टिस कर, थोड़ा खराब लगा है इसको। बाकी को गुरु नए नए दाव सिखा रहे हैं पर मुझे नहीं सिखा रहे, मुझमें ही कोई कमी होगी। बहुत प्रैक्टिस की है, 15 दिन हो गए गुरु चलाने के लिए नया दाव नहीं सिखा रहे, बचने के लिए और रोज सिखाते हैं, चलाने के लिए उसी की प्रैक्टिस करने को कहते। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, 6 महीने हो गए, वो पूछता नहीं है, वो कभी YouTube पे देख के नया दाव सीखता नहीं है, किसी और गुरु के पास जाने की कल्पना उसके मन में नहीं है, गुरु दूसरा दाव सिखा नहीं रहे। 6 महीने बाद पहले दिन कंपटीशन में उतारा, प्रतिद्वंदी को सेकंडों में पराजित करके जीवन का पहला मेडल जीता है उसे, बहुत प्रसन्न हुआ है। और अत्यंत प्रसन्न होने के बाद मेडल लेके गुरु के पास आया है, लगा अब गुरु को विश्वास हो जाएगा, दाव पक्का है, अब नया सिखाएंगे। गुरु बहुत प्रसन्न हुए, शाबाशी दी और कहा उस दाव की और प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे एक के बाद एक कंपटीशन जीतते जीतते अंततः वह विश्व चैंपियन बन गया। वर्ल्ड चैंपियन का मेडल लेके गुरु के पास आया है, चरणों में दंडवत किया है, कहा आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं आज विश्व चैंपियन हूं, पर मेरे मन में एक प्रश्न है। गुरु ने हंस के कहा बेटा मैं जानता हूं तू क्या पूछना चाहता है, पर पूछ। शिष्य ने पूछ लिया, आपने मुझे केवल एक दाव सिखाया, उस एक दाव ने मुझे विश्व चैंपियन बना दिया, पर मैं जानना ये चाहता हूं आपने कुछ और क्यों नहीं सिखाया। गुरु ने मुस्कुरा कर कहा 6 वर्ष पहले जब तू मेरे पास आया था वो दिन तुझे याद है? विद्यार्थी ने कहा वो दिन मैं जीवन में कैसे भूल सकता हूं, पहली बार कोई गुरु मिला था जिसने कहा था तू विश्व चैंपियन बन सकता है। गुरु ने कहा एक एक शब्द याद है? बोले हाँ। तैने क्या कहा था? सैकड़ों गुरुओं के पास जा चुका हूं, जैसे ही कहता हूं विश्व चैंपियन बनना है ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कहते हैं नॉट पॉसिबल। तब मैंने तुझे ऊपर से नीचे तक देखा था, तेरी ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसके कारण तू विश्व चैंपियन नहीं बन सकता? वो कमजोरी मुझे दिखाई दी थी, तेरा दायां हाथ कंधे से कटा हुआ था, जिसके सीधा हाथ नहीं है और वह विश्व चैंपियन बनने की कल्पना करता है, तो साधारण गुरु इस कमजोरी को देख के कहता है नॉट पॉसिबल। तब मैंने तेरी श्रद्धा और विश्वास परखा था, तेरी आंखों में आंखें डाल के पूछा था जो कहूंगा सो करेगा, और तेरे उत्तर में मुझे वो दृढ़ता दिखाई दी थी, वो श्रद्धा दिखाई दी थी, वो समर्पण दिखाई दिया था। तब मैंने कहा कभी संशय तो नहीं करेगा? मैंने कहा था नहीं, इन दो बातों के कारण मैंने तुझे शिष्य स्वीकार किया। और तब मैंने तय किया क्यों न तेरी सबसे बड़ी कमजोरी को तेरी सबसे बड़ी ताकत बना दूं, और फिर मैंने वो दाव तेरे लिए चुना सारे दावों में से जिससे बचने के लिए सामने वाले का दाहिना हाथ पकड़ना अनिवार्य होता है। बिना दायां हाथ पकड़े दुनिया का कोई आदमी उस दाव से बच नहीं सकता। तू किसी पर चलाएगा वो बचने के लिए दायां हाथ ढूंढेगा, तेरा दायां हाथ है नहीं, वो पकड़ नहीं पाएगा और किसी कीमत पर बच नहीं पाएगा। इसलिए अजेय दाव है तेरे लिए, अमोघ दाव है, ब्रह्मास्त्र मैंने तुझे दिया जिसके कारण आज तू विश्व चैंपियन है। परंतु इसमें उस दाव की खासियत नहीं है, खासियत इस बात की है कि तेरे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा और समर्पण था वो मन भटका नहीं, कहीं इधर उधर डोला नहीं, कोई और गुरु नहीं बनाया, किसी और यूट्यूब को देख के तेने नए नए दाव अपने आप नहीं सीखे। इस श्रद्धा समर्पण विश्वास के कारण वो दाव इतना पक्का हुआ कि आज तू विश्व चैंपियन बन गया। मित्रों, इस युवा पीढ़ी को अगर ये पता चल जाए कि गुरु वह है
जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान के हमारी सबसे बड़ी ताकत बना देता है, तो दुनिया का कोई विद्यार्थी अपने गुरु के प्रति असम्मान का भाव रख ही नहीं सकता। फिर उसके अंदर वो आत्मीयता का भाव आएगा, तब गुरु और शिष्य के संबंध जो पुरातन काल से चले आ रहे हैं, चले आ रहे थे नहीं भारत में, आज भी गुरु शिष्य संबंध भारत में जैसे के तैसे हैं। बस केवल उसे बोध होना चाहिए कि यह मेरे गुरु हैं और इनके द्वारा मेरी सारी कमजोरियों का निराकरण करके उन्हें शक्ति में बदले जाने का प्रयास ही किया जाना है। ये विश्वास हम अगर जगा पाए विद्यार्थी के मन में, तो निश्चित रूप से गोल्ड मेडल की जो श्रृंखला है वह आप भारत के अंदर पाएंगे। जैसे ही उस विदेशी कोच के प्रति नीरज चोपड़ा जी के मन में यह विश्वास जगा है, इनके माध्यम से मेरे सारे मेंटल स्ट्रेस समाप्त हो सकते हैं, आज जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, यह उसी गुरु शिष्य परंपरा का प्रतिफल है। चाहे हम मीराबाई चानू की बात करें, चाहे नीरज चोपड़ा जी की बात करें, चाहे हॉकी टीम में खेलने वाली साधारण परिवारों से निकली बहनों की बात करें, चाहे रवि दहिया जी की बात करें, ये सारी की सारी सफलताएं उसी अनुपात में हैं जिस अनुपात में इनके मन में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण और सम्मान का भाव है। क्योंकि जीवन में सफलता और असफलता केवल इस बात पर निर्भर करती है कि हम मनमुखी हैं कि गुरुमुखी हैं। हम अपने मन के सेवक हैं तो मन कभी भी हमको अच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं करता, ये मन तो सदैव पतन की ओर ले जाने वाला ही होता है। इसलिए आज पूरी की पूरी पीढ़ी हमको जो दिखाई देती है, मनमुखी होकर पतन की ओर जाने वाली दिखाई पड़ती है। आज हमने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया और मोबाइल के माध्यम से गुरु से उनकी दूरी बढ़ा दी। सिखाने वाला साधन उनके हाथ में है, पर वो साधन अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकता। सूचना देना गुरु का काम नहीं है, ये गूगल बाबा सूचनाएं चाहे जितनी दे दे, परीक्षाएं चाहे जितनी पास करवा दे, चाहे जितने सूचनाओं को रटा दे, हो सकता है आईएएस आईपीएस भी बना दे, लेकिन मनुष्य नहीं बना सकता। मनुष्य बनाने का काम तो आचरण करता है और आचरण को शुद्ध करने का काम केवल गुरु कर सकता है। गुरु के अतिरिक्त इस चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को कोई और आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मन तो लगातार पतन की ओर ले जाता है। अच्छा भला मैच चल रहा हो और मन कहता है चलो घूम के आते, सारी तैयारियां हैं लेकिन मन नहीं मानता, मनमुखी है तो बाजार घूमने चला जाएगा और कोरोना लेके आ जाएगा, पॉजिटिव होने के बाद उस मैच पर ही प्रतिबंध लगवा पाएगा। ये काम केवल गुरुमुखी व्यक्ति के जीवन में ही संभव हो सकता है। राम और लक्ष्मण की सफलता क्या है? ये मनमुखी नहीं है, ये गुरुमुखी है। जनकपुर देखना है, पर जनकपुर देखने के लिए अपने मन से नहीं जा सकते। लक्ष्मण की तीव्र इच्छा है जनकपुर देखना है,
और बाबा ने लिख दिया लखन हृदय लालसा बिसेखी जाय जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुने ही सकुचाही प्रकटन कहई मन ही मुसुकाही। संकोच इतना ही गुरु का प्रत्यक्ष कह नहीं रहे। और बड़े भाई ने छोटे भाई के मन की गति जान ली। राम अनुज मन की गति जानी और गुरु से आज्ञा मांगी नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु संकोच डर प्रगटन कही। जो तुम्हारी अनुशासन पावो नगर दिखाई तुरत ले आवो। यदि आज्ञा मिल जाए तो नगर दिखा के मैं तत्काल वापस लेके आऊंगा। सुन मुनि स कह वचन सप्रीति कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तू पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाय देखी आबहु नगर सुख निधान दो भाई। गुरु आज्ञा देते हैं तब राम लक्ष्मण नगर देखने जाते। ये देखने में आपको बहुत साधारण सी बात लगती है परंतु वास्तव में इस बात के पीछे जो तत्व छिपा है वो गुरुमुखी भाव है। हर समय गुरु की ओर देखते रहना। गुरु का संकेत क्या है और उसका सुपरिणाम धनुष तोड़ने में सफल। ये उस जमाने का ओलंपिक ही था जिसमें गोल्ड मेडल मिला राम जी को। उस जमाने के इस ओलंपिक में बाकी सारे राजा ये सब मनमुखी थे। जैसे ही नंबर आता था तम कि ता कि तक किसी वधन उधर ही अपनी भुजाओं के बल पर उठते हैं धनुष की ओर जाते हैं। उठे न कोटि भांति बल कर रही परंतु धनुष हिलता तक नहीं है क्योंकि मनमुखी से ये संभव नहीं है। उस पूरे समाज में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो गुरुमुखी है। एक बार भी राम अपनी जगह से हिले नहीं। गुरु ने कहा नहीं, गुरु को देखा नहीं, पूछा नहीं, टोका नहीं। ऐसा नहीं कहा कोई और तोड़ गया तो हमको तो चांस ही नहीं मिलेगा, सर आपके चक्कर में हम तो मारे जाएंगे। और जब गुरु ने देखा इस धनुष के टूटने का समय हो गया है क्योंकि उस काल को पहचानने की सामर्थ्य केवल गुरु में होती है। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मृदुवाणी। उठौ राम भंजहु भव चापू मेटहु तात जनक परिताप। समय पहचान के गुरु ने कहा राम उठो इस धनुष को तोड़ो और जनक के परिताप को दूर करो। सुन गुरु वचन चरण सिरुनाबा। गुरु के चरणों में प्रणाम किया। सहज भाव से उठ के खड़े हुए और बाबा ने फिर लिखा जब धनुष के पास पहुंच गए तब भी अपने सामर्थ्य से धनुष को हाथ नहीं लगा। उदाहरण हमको प्रतिदिन दिखाई देते हैं।
बस जरूरत है शिक्षक को गुरु बनाने की, फिर विद्यार्थी को शिष्य बनते एक क्षण का भी विलंब है ही नहीं। वो तो शिष्य बनने के लिए तैयार बैठा है, उसको केवल आचरण की दृष्टि से गुरु चाहिए। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल आप सब गुरुओं के बीच इसी भाव को लेकर आया है। गीता की इस भूमि से पूरे देश भर में यह संदेश जाना चाहिए, अर्जुन के लिए कृष्ण की आवश्यकता है। अर्जुन तो व्यामोह में ग्रस्त है, अर्जुन तो विषाद में है। इसलिए पहले अध्याय का नाम ही गीता में रखा गया अर्जुन विषाद योग। आज का विद्यार्थी भी इस डिलेमा में है, क्या करूं क्या ना करूं उसे समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण चाहिए अर्जुन को, और हरियाणा से बेहतर शुरुआत इसके लिए दुनिया में कहीं और नहीं हो सकती। अपने अंदर के कृष्ण को जगाइए, अपने अंदर के उस गुरु तत्व को जगाइए और निष्काम कर्म योग की दीक्षा दीजिए। न दैन्यम न पलायनम। और ये निष्काम कर्म योग की दीक्षा उसको अर्जुन की तरह उठकर खड़ा कर देगी, और फिर वो महाभारत जीतने में उसको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं, चाहे सामने भीष्म हो चाहे द्रोणाचार्य हो। गुरु अर्जुन के रूप अर्जुन को कृष्ण जैसा चाहिए, अपने रथ की बागडोर जिसके हाथ में दे सके। ऐसे गुरु तत्व को पुनः जागृत करने के लिए आप जैसे श्रेष्ठ गुरुओं के मध्य भारतीय शिक्षण मंडल इस कार्यक्रम के माध्यम से आया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है शिक्षण में भारतीयता अर्थात आत्मीयता। और ये काम केवल गुरु कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा गुरु के सम्मान को स्थापित करने का पर्व नहीं है, ये तो विद्यार्थी के हित में उसको यह समझाने का पर्व है, गुरु तेरे कल्याण के अतिरिक्त तो कुछ और सोचता ही नहीं है। आज का संकट गुरु और शिष्य के बीच विश्वास का संकट है। इस संकट को हमने अगर दूर कर दिया तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया, भारत माता को विश्व गुरु बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। आप लगातार वे सारे दृश्य देखेंगे जिसके लिए भारत माता जानी जाती है। परमात्मा करे हमारे अंदर शिक्षक से गुरुत्व का यह भाव उदित हो, हम अच्छे शिष्य बन पाए, अपने गुरुओं का नाम रोशन कर पाए, क्योंकि गुरु केवल तभी बन सकता है जब वो अच्छा शिष्य हो। उम्र उसकी कोई भी हो, चाहे कुलपति जी हो, चाहे जितेंद्र जी हो, चाहे राकेश जी हो, हम सब शिष्य हैं। अपने गुरुओं का स्मरण करते हैं, उन्होंने हमारे जीवन को कैसे गढ़ा है यह स्मरण आते ही हम अपने विद्यार्थियों के प्रति अपने कर्तव्य को ठीक से समझ पाते हैं। और जिस दिन हमको हमारा कर्तव्य स्मरण हुआ, दुनिया की कोई ताकत विद्यार्थी को हमारी ओर आकर्षित करने से रोक नहीं सकती। अगर गुड़ है तो मक्खियां आती ही हैं। गुरु को अपने अंदर उन गुणों का विकास करके उस गुड़ को प्रदर्शित करना पड़ेगा, फिर वो आपसे दूर नहीं जाएंगे। कोई विद्यार्थी केवल मोबाइल से दीक्षा लेने के लिए तैयार नहीं होगा, अपने गुरु के आचरण से दीक्षा लेगा, गर्व की अनुभूति करेगा और गौरव से कहेगा वे मेरे गुरु भी हैं, मैं उनका शिष्य हूं। ईश्वर के लिए हम सबकी यह कामना सफल हो, हम अपना स्वयं का विकास हो, हम अपने आत्मा रूपी दर्पण में अपने वर्त देख पाए। भविष्य तो सुनहरा है ही, भारत माता विश्व गुरु बनेगी, मैं उसमें कितना योगदान कर सकता हूँ। भारतीय शिक्षण मंडल के साथ जुड़ के इस अभियान को संपूर्ण हरियाणा तक विस्तृत
करते हैं इस अपेक्षा के साथ। आप सबको सादर प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उमाशंकर पचौरी जी। शब्द कम है और निशब्द भी है, आत्म मंथन का समय है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम ऐसे गुरु बने जो अपने विद्यार्थियों को ऐसे संस्कार दे पाए कि वो अपने आप को भारत के बलिदान बनाने में, भारत को और प्रगाढ़ प्रबल शक्ति बनाने में, विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे पाए। सिर्फ किताबी शिक्षा ना दें, क्योंकि प्रकांड विदूषक, प्रकांड विद्वान तो रावण भी था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही माने गए। हम संस्कार ऐसे दें, किताबें कोई भी पढ़ा लेगा, किताबें कोई पढ़ भी लेगा, लेकिन उन बच्चों में, उन विद्यार्थियों में हम ऐसे संस्कार दें कि वे जहां भी जाएं अपने गुरु की एक छवि बनकर जाएं। वो उस विद्यार्थी को देखकर, उस शिष्य को देखकर पता चले कि ये फला गुरु का शिष्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय श्री राकेश वधवा जी को कि वे धन्यवाद प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करें। आदर व सम्मान के योग्य इस प्रांत क्षत्रिय व्याख्यान के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि व अध्यक्षता कर रहे हमारे ही विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह जी मलिक व इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम श्रद्धेय डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी, भारतीय शिक्षण मंडल के संरक्षक प्रोफेसर दिनेश जी, कुलपति जेसी बोस यूनिवर्सिटी फरीदाबाद व भारतीय शिक्षण मंडल हरियाणा प्रांत के, भारतीय शिक्षण मंडल हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष जतेंद्र जी, रजिस्ट्रार चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी व इंजीनियर सुनील जी, प्रांत मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल हरियाणा व अन्य विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से जुड़े और जिला से जुड़े हुए डीन, चेयरपर्सन्स, प्रिंसिपल्स, प्राध्यापक व पूरे प्रांत से, ऑनलाइन से जुड़े सभी जिलों से भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता बंधुओं व इस व्याख्यान को बड़े ही प्रभावशाली व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज कर रही डायरेक्टर यूथ वेलफेयर मैडम अंजू नेहरा जी। इससे पहले कि मैं आज के इस व्याख्यान के गुरु शिष्य परंपरा के मुख्य वक्ता डॉक्टर पचौरी जी का आभार व्यक्त करूं, मैं इस बहुत ही सुंदर व भव्य विषय पर अपने विचार प्रस्तुत पर करना चाहूंगा कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। वास्तविक रूप से शिक्षा का आशय ज्ञान है और ज्ञान आकांक्षी है कि शिक्षार्थी और उसे उपलब्ध कराता है, और वो कौन उपलब्ध कराता है, वो शिक्षक या गुरु है। तीनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक के बिने दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। अनादिकाल से ही भारत में ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु रहे हैं और वर्तमान में गुरु को शिक्षक कहा गया है। और शिक्षक गुरु शब्द में मैं भिन्नता कहूंगा कि गुरु के लिए शिक्षण व्यवसाय नहीं है, बल्कि आनंद की अनुभूति है। और शिक्षक अतीत से ही प्राप्त सूचना या जानकारी को आगे बढ़ाता है, जबकि गुरु ज्ञान प्रदान करता है। गुरु अपने विद्यार्थियों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करता है। सूचना एवं ज्ञान में भी भिन्नता है। सूचना अतीत से मिलती है, जबकि ज्ञान भीतर से प्रकटित होता है। दुर्भाग्य से मैं कहना चाहूंगा
कि हमारे देश में समाज में सबसे प्रतिष्ठित और आदर प्राप्त करने वाले शिक्षक की हालत अत्यंत दयनीय और जर्जर हो गई है, क्योंकि शिक्षक शिक्षा का छोड़कर बाकी जो भी समस्त गतिविधियां में संलग्न है, वह प्राथमिक स्तर का हो अथवा विश्वविद्यालय, वह लोकसभा विधानसभा तथा अन्य सभी कार्य अपनी जनगणना के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्य उससे संपन्न कराए जाते हैं। कहा कि एक अखिल भारतीय संगठन है जो शिक्षा में भारतीयता लाने का आत्मीयता लाने का प्रयत्न कर रहा है। शिक्षा की नीति रीति पाठ्यक्रम एवं पद्धति को भारत केंद्रित बनाने हेतु अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखकर भारत में अनुसंधान प्रबोधन प्रशिक्षण व प्रकाशन का कार्य भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा सन 1969 से किया जा रहा है। अंत में जैसा कि अनादिकाल से नहीं अब भी गुरु शिक्षा परंपरा और हमारे माननीय कुलपति जी ने बहुत ही बढ़िया उदाहरण गुरु शिक्षा का दिया और त्याग भारती के प्रति विश्वास रखना आवश्यक है, अपने विद्यार्थी के प्रति सादर भाव आदर भाव रखना की सफलता को सार्थकता देना